एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आप लोगों ने मेरी हर वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि आप अपना रूम टूर दे दो, आपने जो वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं वो दिखाओ, आप अपने बुक्स दिखाओ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों से सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, और ये है मेरा स्टडी टेबल, और आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लगा रखा है। तो यहाँ पे है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर उसके नीचे है ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप के कुछ प्रायोरिटीज़, और ये GOC का पार्ट है। और यहाँ पे है मिनरल न्यूट्रिशन, नीचे यहाँ पे है प्लांट किंगडम, फिर डाइजेशन, फिर यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये दोनों, फिर यहाँ पे है ये चार फैमिलीज़। और ये रहा एक पीरियोडिक टेबल, और ये इंडक्टिव इफेक्ट प्रायोरिटी। तो ये रहा मेरा बुक शेल्फ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन से बुक्स यूज़ करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये रहा यहाँ पे एलिमेंट्री बायोलॉजी, ये ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, जो कि मैं बोलूँगा आप बिल्कुल भी यूज़ मत करो। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो आप NCERT ही प्रेफर करो, मैं भी इसको यूज़ नहीं करता। फिर है ऊपर यहाँ पे प्रीवियस ईयर, जो कि यहाँ पे है बायो, ये बायो, ये भी केमिस्ट्री, फिर ये ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, और ये भी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, जो कि मैं इन दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं इन प्रीवियस ईयर को मैं यूज़ ज़रूर करता हूँ। फिर ऊपर है यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, जो कि मेरा नहीं है, मैंने वो स्कूल की लाइब्रेरी से लिया था। फिर यहाँ पे है एक और ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, फिर है यहाँ पे HC वर्मा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो कि मैं बोलूँगा आप अगर आप 11th में हो, मतलब 12th में हो, फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बुक्स है। फिर है सबसे ऊपर मेन, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, वो है PW मॉड्यूल्स, ये 11th है और ये 12th है, और ये मैं यूज़ करता हूँ। और ये रहा मेरा बेड, और यहाँ पे है एक और स्टडी टेबल, ये एक्चुअली मेरा नहीं है, ये मेरी बड़ी बहन का है, और वो इस साल जाने वाली है डेंटल कॉलेज। फिर यहाँ पे है एक और बेड, जो कि यहाँ मेरे भैया रहते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये भी लिख रहे थे कि आप अपने स्टडी टेबल का लिंक दे दो। तो ये मैं बता दूं कि ये मेरे पापा ने बनाया है, ये मैंने कहीं से लिया नहीं है। और आप ये बुक शेल्फ के भी बारे में पूछ रहे थे, तो ये बुक शेल्फ भी मेरे पापा ने ही बनाया है, ये मैंने कहीं से परचेज़ नहीं किया। वाइज ये रहा यहाँ पे है एक और बुक शेल्फ, जहाँ पे मैं अपनी पुरानी बुक्स और कॉपीज़ रखता हूँ। और यहाँ पे मैंने लगा रखा है एक वाइट बोर्ड, जो कि मैं इस पर टू डू लिस्ट बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। और ये रहा एक छोटा सा टेबल, जो कि मैं यूज़ करता हूँ जब मेरे को वहाँ पे बैठ के पढ़ना होता है। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है MemoNeet। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि नीट 2022 में 96 आउट ऑफ 100 बायोलॉजी क्वेश्चंस MemoNeet से ही आया था, और इसका प्रूफ आप इनके ऐप पर जाकर चेक कर सकते हो। इस ऐप पे 30,000 से भी ज्यादा MCQs क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जो कि NCERT के ईच एंड एवरी लाइन से ली गई है। इसी के साथ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, असम्पशन रीजन क्वेश्चंस और PYQs भी अवेलेबल हैं। गाइस, ये बस आप लोगों को पता होगा कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये बस अपने टॉपर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन MemoNeet एक एवरेज स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा फोकस करता है। तो अगर आप भी इन क्वेश्चंस को अगर बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो आप भी एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। अनदर बिग थिंग, हम अपने फॉर्मूले कैसे रिवाइज करें? तो MemoNeet पे फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला और ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस को तीन फॉर्मेट में क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है। फर्स्ट बाय यूजिंग फ्लैश कार्ड, एंड द सेकंड वर्ड इज यूजिंग जंबल वर्ड्स। MemoNeet पे आपको एक रिपीट टेक्नोलॉजी मिलता है, जिससे अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो वो थर्ड, फिफ्थ और एट डे को वापस रिपीट होगा, जब तक आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार सही नहीं कर देते। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो कि 100% NCERT बेस्ड है, और आप इसे सब्जेक्ट वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। अभी तक 30 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस ऐप को डाउनलोड किया है, एंड प्रैक्टिस मोर देन 20 मिलियन क्वेश्चंस इन MemoNeet। तो अगर आप भी NCERT पढ़ पढ़ कर बोर हो चुके हो, तो ये ऐप आपके लिए है। अगर आप मेरा कूपन कोड Sameer300 यूज करते हो, तो आपको 300 रुपीज का ऑफ मिलेगा। इस ऐप की जो रेटिंग्स है, वो आप प्ले स्टोर पर भी जाकर देख सकते हो। तो गाइज, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ और जल्दी से डाउनलोड करो MemoNeet ऐप। तो गाइज, ये देखो एक ओवरव्यू, ये है मेरा यहाँ पे स्टडी टेबल, फिर यहाँ पे है बुक शेल्फ, फिर यहाँ पे बेड, और वहाँ पे एक और स्टडी टेबल। तो अभी मैंने आपको अपना रूम दिखा दिया है, तो अभी जल्दी से चलते हैं वापस पढ़ाई करने, और मुझे अभी केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करना है और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का DPP सॉल्व करना है। तो मिलते हैं आपसे सीधा इस सेशन के बाद।
तो अभी मेरे को रिवाइज़ करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि मैं कल करूँगा।